हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इस्लरीज ब्लॉग। आई एम दीपू इस्लरी और आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ आज एक नई जगह। चलिए तो निकल चुके हैं घर से, मेरी सवारी, चलो चलते। आज मैं अकेले हूँ तो देखते हैं कैसे होता है कैसे नहीं होता है। अकेले होने से थोड़ा दिक्कत होता है, फिर भी आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा मैं और लगता है अच्छा ही होगा। आप लोग भी दुआ कीजिए और देखते रहिए। बीच आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप लोगों को जो आने वाला वीडियो है वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मेन गेट पहुंचने वाला हूं अभी, जो एंट्रेंस है, तो पहुंच चुके हैं। ये जो धाम है, ये धाम एक्चुअली कोक्राझार के अंदर है, ये धुबरी के अंदर नहीं है। ये कार को पार्किंग करते हैं पहले, तो एट लास्ट गाड़ी को लगा दिया है। तो हम लोग लेने वाले एक थाली, तो थाली लेके चलते हैं। अल्टीमेट पूजा हो गया है तो पहले चलते शिव मंदिर। तो यहाँ पे एक शिव मंदिर है, तो ये मेन मंदिर है जो अभी बंद है, तो चलते हैं शिव मंदिर के अंदर। ऊपर भी और एक मंदिर है, शिव मंदिर होता है, तो वहां पे चलते हैं। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यह है शिव मंदिर जो मेरे पीछे है, आज वो भी बंद है। फिर मेरा ही अनलकी दिन है तो बाबा जी से थोड़ा मुलाकात हो गया है, इनसे मुलाकात हो गई है अभी, तो बाबा जी ने थोड़ा टीका विका लगा दिया है। गुवाहाटी का जो कामाख्या मंदिर है उसके बाद ये महामाया धाम आता है। तो अगर आप लोग तो सभी ने कामाख्या मंदिर देखा होगा, तो उसके बाद आप लोग ये धाम भी मतलब विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ पे जा रहा हूँ, पूरा व्यू दिखाऊंगा आपको, आप लोग देख लेना खुद। तो यहाँ पे भाई लोग है, फ्रूट जूस ठंडा वगैरह सब कुछ मिलता है। दो चार लोग आए हैं, तो ये लोग तो परमानेंट मेंबर हैं यहाँ के। हनुमान जी, डर भी लगता है यार। चलिए कुछ खा लेते हैं, फ्रूट देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए ये हो गया हम लोग का स्टार फ्रूट का जो अभी भैया से मैंने पूछा कि बंद क्यों है। ये एक्चुअली बंद नहीं है, ये क्या होता है, आप लोग अगर आते हो पूजा करने तो आप लोग 9 बजे से 1:30 बजे तक आप लोग आ सकते हो, उसके बाद भी आप लोग आ सकते हो, पर
जो पंडित लोग होते हैं वो लोग खाना खाने भोग करने चले जाते हैं। तो अगर आप लोगों को 1:30 बजे के बाद पूजा देना है तो आप लोगों को बुलाना पड़ेगा, तो वो लोग खोल देंगे। मतलब ऐसा हुआ कि ये दिन भर खुला ही रहता है, सिर्फ 1:30 बजे के बाद आप लोगों को पंडित को बुलाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आप आए, आपका 2-3 बज गया और आप पूजा न कर पाएंगे, ऐसा बात नहीं है। आप लोग आ सकते हो, आके पूजा कर सकते हो, और बाहर तो मैं ऐसे भी आप दिए सब जला सकते हो, वो सब कर सकते हो। सिर्फ आप मंदिर के अंदर, अगर मंदिर के अंदर अगर घुसना है आपको, तो 1:30 बजे के बाद आपको पंडित जी को बुलाना होगा। तो चलिए, हम लोग तो ऊपर से आ गए नीचे, तो ये है मंदिर, तो इसके पास से ही गुजरना पड़ता है। तो एक दो लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ा बैठा हूँ भाई लोग के साथ, ये लोग भी यहाँ का ही है। तो ये साहब जी जो है सिक्योरिटी में है, लोगों से बात कर लिया मैंने, तो ऐसे ही मतलब थोड़ा बहुत। तो अभी निकल रहा हूँ, ये ऑफिस है। तो वो जो लाल बिल्डिंग आप देख रहे हैं पीछे, वो ऑफिस है। तो यहाँ का जो माहौल है बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है, आप आ सकते हो यहाँ पे। तो मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, आप आओ, आपको सुकून मिलेगा यहाँ पे। जो मंदिर में जो आने के बाद जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही होता है। तो यहाँ पर गणपति जी का मूर्त लगा हुआ है, पूरा गेट से घुसते ही आपको मिलेगा। तो ये जो है बाहर की तरफ है गेट से। तो ये हो गया, तो अभी नीचे जा रहा हूँ। चलिए इसको वापस करते हैं, फिर हम लोग घर के तरफ जाते हैं। भैया को ये लौटा दो, लौटा के हाथ मुझोलो के थोड़ा हाथ नीचे। तो फिर से भैया के दुकान, तो भैया को पैसा भी देना है अभी, और ये जो है उनकी अमानत वापस कर दिया है, करना है। तो पैर वगैरह धो लूँ, धो के फिर हम लोग चलते हैं यहाँ से। जब तक मैं निकलता हूँ, तब तक एक काम कीजिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। आते जाते एक भैया से मुलाकात हो गई है। तो ये भैया का यहाँ का ही है, आपका भी दुकान है यहाँ पे, कौन सा, ये वाला? तो भैया का ये वाला दुकान है, तो आज जान पहचान हुई है। तो भैया का नाम जितेंद्र बर्मन है, आप लोग आइए और इनसे भी मिलिए। तो एक बात पूछ रहा हूँ आपसे, अगर कोई दूर से बाहर से आता है और बोलता है कि मुझे कोई चाहिए, कि मंदिर जो है दिखाने के लिए कोई चाहिए, तो आप लेके जाते हो उनको? आप गाइड गाइड के हिसाब से काम गाइड देते हो आप लोग? हाँ ठीक है। तो फिर ये देखिए जितेंद्र भैया और भैया, ये भैया है। तो ये लोग क्या होता है कि आप लोग अगर बाहर से आते हो, तो अगर आप लोग गाइड चाहिए, तो थोड़ा बंदरों से सेफ्टी चाहिए, तो ये लोग देते हैं। तो आइए, आके इन दोनों से मुलाकात कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं, चलो बाय बाय बोल दो सबको, बाय बाय बोल दो, बाय बाय, सी यू।